नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बारिश के बाद बिगड़े हालात पर गंभीर मुख्यमंत्री। आपदा प्रबंधन को लेकर सीएम ने बैठक बुलाई है। सीएम भजन लाल शर्मा वीसी के जरिए बैठक ले रहे, तो आपदा प्रबंधन को लेकर सीएम को फीडबैक दिया जा रहा। सीएस सुधांश पंत, गृह सचिव सहित अन्य अधिकारी मौजूद। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम गंभीर है। जिस तरह की स्थिति जयपुर में या राज्य में बनी, उन स्थितियों को लेकर सीएम ने अब बैठक बुलाई है और बिगड़े हुए हालातों की स्थिति का जायजा, उसका फीडबैक सीएम ले रहे हैं। सीएस सुधांश पंत, गृह सचिव सहित अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, बारिश के बाद बिगड़े हालात पर मुख्यमंत्री गंभीर है। जो आज स्थिति पैदा हुई वो वाकई में सवाल खड़े कर देती है कि आखिर प्रशासन इतना लापरवाह क्यों है। लेकिन ये स्थिति दोबारा ना पनपे, दोबारा ना उत्पन्न हो, इसलिए ये जरूरी है कि इस पर कार्य किया जाए और इसलिए अब बैठक ली जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को, इस पूरी स्थिति को गंभीरता से लिया है और अब बैठक ली जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है। हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ शशि मोहन इस खबर पर जुड़ गए हैं। शशि मोहन, जानकारी दीजिए बैठक को लेकर। देखिए, बैठक को लेकर के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मीटिंग ले रहे हैं। इस मीटिंग में मुख्य सचिव सुधांश पंत, डीजीपी उत्कल रंजन साहू और साथ में एसीएस होम जो आनंद कुमार है वे भी मौजूद है। साथ में मुख्यमंत्री के एसीएस शेखर अग्रवाल और जल संसाधन विभाग के अभय कुमार, यूडीएस के टी रविकांत भी इसमें मौजूद हैं। जो आयुक्त हैं, संभागीय आयुक्त, जिलों के एसपी और नगरीय निकायों के जो हेड हैं, उनसे अधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सभी जगह पूरे प्रदेश में अगर कहीं भी तेज बारिश से जलभराव की स्थिति या आपदा की स्थिति बन रही है तो उसको नियंत्रित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उसमें खास बात यह है कि जान का नुकसान ना हो। भले ही अगर कहीं पर माल का नुकसान होता है तो वो बाद में भरपाई हो सकती है, लेकिन किसी की जान का नुकसान ना हो, इसको लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए जाने और इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है। और जयपुर में हमने देखा किस तरीके से वीकेआई में जो हादसा हुआ, तीन लोगों की जान चली गई, एक की बगरू में जान चली गई, बच्चा बह गया। तो ये सारे है जो हादसे हैं, इन पर हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुआवजा तो जारी किया ही जाएगा। 5-5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को मुआवजे की बात कही गई है, लेकिन आगे इस तरह के हादसे ना हो। जो जलभराव या रफट वाले स्थान है वहां पर क्या एहतियात बरते जाए, इन सबको लेकर के मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्देश देंगे। शशि मोहन, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक तो मुख्यमंत्री का अंदाज रहा है कि जब इस तरह की स्थितियां पैदा होती है, चाहे हम गर्मियों की बात करें, उस मौसम में भी जब वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, कई जगह पर औचक निरीक्षण भी किए थे, तो क्या इस बार भी निरीक्षण करने के लिए पहुंच सकते हैं सीएम? दूसरा ये, क्योंकि वो अधिकारियों के साथ में बैठक ले रहे हैं, तो उनको भी ये संदेश दिया जाएगा कि अब आप जमीन पर उतरिए, ग्राउंड पर उतरिए और देखिए हालातों को। देखिए, हर काम में निरीक्षण की जरूरत नहीं होती है। हालांकि अगर कोई जलभराव जैसी स्थितियां हुई तो एरियल सर्वे जरूर मुख्यमंत्री कर सकते हैं, लेकिन अभी के स्थिति हालात में मौके पर पहुंच करके मुख्यमंत्री जायजा नहीं लेंगे, क्योंकि जो लोकल टीम है वो लगी हुई रहती है मौके पर और उस टीम को ही इसके निर्देश दिए जाएंगे। क्योंकि प्रदेश में 195 से ज्यादा नगर निकाय हैं और उन सभी नगर निकायों में मुख्यमंत्री का पहुंचना संभव नहीं हो सकता, लिहाजा अभी निर्देश इसी बात के कि अधिकारी, संबंधित अधिकारी मौके पर मुस्तैद रह करके बचाव और राहत कार्य चलाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि मोहन, तमाम जानकारी के लिए।